मोदी हाल संबोधन करी रहा है, सीधा जी त्याने सांभळीए। फ्रेंड्स, प्रचुर मात्रा में हवा की तरह उपलब्ध सोलर एनर्जी का विकास और प्रयोग हमारी समृद्धि के अलावा पृथ्वी का कार्बन भार अवश्य कम करेगा। फ्रेंड्स, हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा और वे हैं, एक और बहुत से देश हैं जिनमें सूरज साल भर चमकता है परंतु संसाधनों और टेक्नोलॉजी का अभाव सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में आड़े आता है, रुकावट बनता है। दूसरी ओर ऐसे द्वीप समूह और देश हैं जिनके अस्तित्व को क्लाइमेट चेंज के प्रभाव का सीधा सीधा खतरा है। तीसरी बात यह है कि सोलार एनर्जी प्रकाश के लिए ही नहीं बल्कि अन्य बहुत से प्रयोगों, यातायात, क्लीन कुकिंग, कृषि, सोलार पंप, हेल्थ केयर में भी उतनी ही उपयोगी हो सकती है। सोलार एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी की उपलब्धता और विकास, आर्थिक संसाधन, कीमतों में कमी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी का विकास, मास मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए पूरा इकोसिस्टम बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, आगे का रास्ता क्या है यह हम सबको सोचना है। मेरे मन में 10 एक्शन पॉइंट्स हैं जो मैं आज आप सबसे साझा करना चाहता हूं। सर्वप्रथम है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बेहतर और सस्ती सोलार टेक्नोलॉजी सबके लिए सुगम और सुलभ हो। हमें हमारे एनर्जी मिक्स में सोलार का अनुपात बढ़ाना होगा। हमें इनोवेशन को प्रोत्साहित करना होगा ताकि विभिन्न आवश्यकताओं के लिए सौर समाधान प्रदान हो सके। हमें सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए कंसेंशनल फाइनेंसिंग और कम जोखिम का वित्त मुहैया कराना होगा।